सारे भैया ने भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज गांव सिरसे घोगड़ा में है और सिरसे घोगड़ा में जिस तरह के नंबरदार हैं और काफ़ी सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं और उन किसानों के साथ धोखा हो गया। यानी आपने यूँ कहूँ कि जिस तरह के उनका जो उन्होंने ऑनलाइन जो हुआ है जिस तरह बाड़ी बाजरा जीवार जिस तरह जो ऑनलाइन उन्होंने चढ़ा रखा था, यानी ये कहें कि हमारा ऑनलाइन दिखांदा है कौनी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के जो बाजरा था वो घर में डाल रखा था और फिर वो उसको बिक्री करने के लिए मंडी में गए तो उन्होंने बेरा पटाया कि भैया तो ऑनलाइन हमारा तो हो ही नहीं रहा, यानी पटवारी की कमी या किस चीज़ की कमी। तो किसान हमारे साथ हैं, इनसे पूछाएंगे बारी बारी। और एक और जिस तरह जो नंबरदार ने जो बताया उसकी जानकारी उन्हें से ले मांगे, जिस तरह जो माल की पर्ची हुआ करे वो करीबन जिस तरह चारा की है तो करीबन एक का ऊपर गेर दिया और जो तीना की है वो भी एक का ऊपर। यानी तीन भाई हैं तो एक ऊपर, लेकिन एक देगा कौन, बात ये है। तो ये किसान है, इनसे बात करेंगे। तो ये वो किसान है जिनका जो बाजरा और जो भी जिस तरह के बाड़ी जो ऑनलाइन थी, लेकिन ये जिस तरह के बाजरा जो घर में घेर लिया करें ना भाई बाद में बेच देंगे, लेकिन जो बिक्री खातर गए तो उड़ पता चल रहा कि ऑनलाइन हमारा तो है ही नहीं। और सबसे पहले नमस्कार जी, हेलो। बताओ, मतलब जिस तरह की आपका जो बाजरा था ऑनलाइन था, लेकिन आपको कब पता चला अभी आपका तो बाजरा ऑनलाइन है ही नहीं? मैं मेरा बाजरा काट के बेचने के लिए उस टाइम पता चला जी, मंडी में ले गया मैं। अच्छा, और मेरा बाजरा कटा मिला जी मैंने। अच्छा, कब गए थे? मैं 3-4 दिन पहले गया था। अच्छा, 7 तारीख को। अच्छा, ऑनलाइन कितने दिन पहले कराया? ऑनलाइन तो मैंने जी फसल बोने के बाद में करा दिया था, बाद में करा, बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो फिर यो मतलब किस तरह आपने पता नहीं चला किसने काटा? नहीं जी, पता नहीं चला जी बात का किसने काटा है वो। अच्छा, हाँ जी। तो फिर किसने दोषी माना यू? हम तो पटवारी ने दोषी माना है जी। पटवारी ने? हाँ जी। तो पटवारी कौन अपना? पटवारी समेश है जी। समेश? हाँ जी। समेश या समय? समेश सिरसा घोगड़ा। तो चलो, समेश की लापरवाही या कितने की लापरवाही तो है आपका भी। हाँ जी। तो आपका क्या बाजरा था, बाड़ी थी? बाजरा जी, बाजरा। यो भी आपने ऑनलाइन करा रखा था? हाँ जी। आपका भी? हाँ, हमारा 2.5 महीने पहले ऑनलाइन वाला। अच्छा, और ईवीओ बेचन खातर गए उस दिन बेरा पाटे है हमने भाई वो नट के। अच्छा। बोले अभी आपका ऑनलाइन नहीं है। अच्छा। यो मेरी फसल मेरा बेरा कटवा, इसमें ये साफ लिखा हुआ, इसमें सब कोई फसल नहीं, देखो सारा काट रखा है। ये नहीं, उन्होंने जिस तरह के यूं वैसे कर दिया पटवारी ने, पटवारी ने काट दिया और गए। और जबकि मैंने अपना KCC ले रखे है, उन्होंने 4 किले 2 किले कपास मेरी, 2 किले बाजरा उनका, अपना बीमा काट रखे। अच्छा, बीमा काट रखे बैंक में और यहाँ कोई फसल नहीं, मैं बेच नहीं सकता। हाँ। अच्छा। मेरा खेत खाली दिखा दिया। हाँ। तो मैं यू दिखा एक बार, कैमरामैन से कहूँगा एक बार नजदीक से अच्छी तरह दिखा दे जो काट रखा है ना। यो इन्होंने तो ऑनलाइन कराया था, लेकिन कितने की दे, जिस तरह के पटवारी की लापरवाही है और जो इनका यो कट गया और इन्होंने जो बताया KCC वगैरह करा रखा है उसमें जिस तरह इनका जो बैंक से पैसे है वो बीमा वो तो कट गया, लेकिन इनका फायदा क्या हुआ, क्योंकि इनकी ऑनलाइन है ही नहीं फसल, इनका कहते हैं पटवारी ने सारा काटा कलम मार दी कि इनकी तो फसल है ही नहीं, तो उस चीज़ का बीमा भी क्या होगा, लेकिन इनके पैसे कट गए। वो क्या करके भोला भाला किसान, यानी वो चारों तरफ तो मार दे उन्हें, कोई कलम तो मार दे, कोई किसी तरह मार दे, तो उस तरह इन्हें कोई मार दे, तो क्या कहोगे इसमें कौन दोषी है? हमारे हिसाब से तो हम तो पटवारी नहीं कहेंगे जी। तो फिर मतलब सारे किसान इकट्ठे हो रहे हो, तो कितने जने का मतलब यो कट रखा है? ये तो जी मेरे ख्याल से लगभग हमने 20-30 आदमी बात करी से, सारे किसान या बात कहे भी मेरे भी फसल को नहीं, जब कटा हुआ नहीं हो मेरी फसल मेरा बेरा, तो सारे किसानों की ये लिखा हुआ है कॉलम है, कोई फसल नहीं, सब में ये लिखा हुआ सबके पास। हाँ जी। चलो, तो फिर अगला एक्शन क्या होगा मतलब इस तरह की? हम तो ये सोच रहा हूँ अगर यहाँ तो काम हमारा ठीक कर दे हो तो दोबारा गिरदावरी करें और सबका चढ़ाऊ सब भैया का, ठीक है? और नहीं तो फिर आगे और कोई कदम सोचेंगे, हम सोचना पड़ेगा। तो पटवारी से मिले हो कई बार, यूं जाके गलती से हो गया हो? हम पटवारी जान दे कोई नहीं, पटवारी आंदा है कौन सी काम में? अच्छा, आंदा ही नहीं, शिकल से नहीं देखा हमने। अच्छा, हाँ। चलो, तो आपका कहना है यूं या तो इन्हें ठीक कर दे, हाँ, और नहीं तो फिर शिकायत कहां करोगे? शिकायत तो देखो जी पर कोई तो पड़ी पावेगी, हमने किसी का सीएम विंडो में लगा देंगे ना फिर लास्ट में। चलो, तो आपका भी? हाँ, मेरा भी ऑनलाइन हो रहा था। अच्छा, फिर आपका भी? 4 किले ऑनलाइन करवाए थे, 1 किला भी नहीं, 1 कनाल पास कर रखे है। अच्छा, उन्होंने? अच्छा, मैं 7 तारीख को बाजरा बेचने के लिए गया था, उसमें बोले ऑनलाइन नहीं हो रहा, मैंने कागज कटवाया, कागज में 1 कनाल पास हो रहा था 4 किले में, मैं अपना बाजरा वापिस ले आया घर, और समेश पटवारी ने काटा है वो सारा काम।
तकरीबन पूरे सारे काम का कर दिया। हाँ, समेश पटवारी ने कराया है जो काम, वो एक दिन बीच बैठ के एक जगह बैठ के गिरदावरी कर ले जाए, किसी खेत में नहीं जा गिरदावरी करने के लिए, है ना, किसी जमींदार को मिलता है वो। अच्छा, हाँ, गाँव मारता ही नहीं वो। तो यो भी बड़ी लापरवाही है भाई, जिस तरह के गांव का कहना यो है, गांव के किसानों का कहना यो है भाई, गांव में पटवारी अंदा ही नहीं, हित आव है कि जाव है, लेकिन वो उड़े तो सर्वे करे कित करे है, लेकिन उन्हें बेरा ही नहीं। और भी किसी का है, नहरी जयसिंह है, कल की नहरी पटवारी जयसिंह है और कल की पटवारी समेश है। ये जी ऑनलाइन कार्ड रखा है, जब बाजरा बेचने गए तो ऑनलाइन में हमारे 2 किले ऑनलाइन कराया था, तो यानी कि 7 कनाल 11 मरले ऑनलाइन छोड़ रखे हैं, 8 कनाल का बाजरा काट दिया, ठीक है, और 2 किले कपास के काट रखे हैं जी। अच्छा, और किलो कितने कपास थे अपने? कपास 11 किले हैं जी। 11 किले, देखो भाई, 11 किले के 2 किले बना दिए, एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे, बिल्कुल दिख रहा होगा, सही है, वरदान दिखा दे, आगे दिखा दे, फोटो खिंचवा दे, यो देख लो भाई, यानी इसके 11 किले आगे कितने बना दिए? 2 किले बना दिए, यानी 9 किले गायब, और इसके बाड़ी थी यानी 11 किले में, और उसके हैं लेकिन वैसे इसमें कड़े बेचा जी ऑनलाइन कट गया तो जी बाजरा कौन खरीदेगा जी, बिल्कुल उल्टा लेके आगे, तो फिर आपने कोई शिकायत दी कहीं पे? शिकायत कहीं नहीं दी, लगाएंगे सीएम विंडो में, अपनी तैयारी पकड़ेंगे कि मैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए मतलब इकट्ठे हो रहे हो कि अभी अगले ही भाई की कपास खत्म आपका? मेरी 2 किले बाजरा है, 23 का 13 नंबर किलो, हाँ, 2 किले बाजरा जी, 1 किला कपास वो रखी थी, और 1 किला बाजरा 1 किला कपास काट रखी, तो वो शायद पटवारी की लापरवाही है, पटवारी हमें देखा नहीं है बिल्कुल भी किसी जमींदार ने, और न उसको जानते कौन पटवारी है कौन नहीं है, नाम नाम से जानते समेश पटवारी है बस। नहरी पटवारी जयसिंह है जी, हाँ। अच्छा। उसने तो लिखा था उस टाइम। अच्छा। दोबारा मतलब यो करवाई ने उस टाइम मतलब नील आई रिपोर्ट। अच्छा। हमने पहले कहा तो बेरा को नहीं। चलो, इनका तो मतलब ये हो गया कि जिस तरह पूरे गांव का इनका तकरीबन ही जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, इनका तो है ही नहीं, किसी का 1 किला चढ़ रहा है, जिस किसी के 2 किले चढ़ रहे हैं, जिसके 11 किले हैं उनके 2-2 चढ़ रहे हैं, और जिनके 2-4 हैं उनके चढ़े नहीं रहे, तो पूरा इनका तो खाली पड़ा है। ये नंबरदार है, नंबरदार के साथ भी कुछ जिस तरह ईसाए हो रहे हैं, इनसे बुझाएंगे मतलब इनके साथ की घटना घट रही है, इसमें जिस तरह के जो माल की जो पर्ची है। यो तो पटवारी के दौरे खड़े हो गए, करवा फिर भी साफ कर दिया। क्या नाम अपना? बावर। बावर जी, तो मतलब आपके कितने किले थे बाजरा? मेरे 2.5 किले बाजरा था। 2.5 किले, हाँ। तो फिर अब मतलब जिस तरह 1.5 किला बाजरा रह गया, 1 किला काट दिया। काट दिया, हाँ। तो फिर आप जिस तरह बिक्री करके आपका भी बिक गया है कैसे? मैं तो बिक्री मंडी में गिर के आया हूँ। अच्छा। ये पता करे, कल आया था मैं इनके पास में, तो देखा तो 1 किला कट रहा है। कट रहा है आपका? हाँ। चलो, तो इनका भी कट रहा है, मतलब सारे किसी किसी के कटे रहे हैं, तकरीबन तो कटे रहे हैं सबके, किसी के थोड़े किसी के ज्यादा, और किसी के हैं कोने। संजय परमार हूँ मैं। ये ऐसा है कि ये एक सरसे की वर्त का जिक्रा नहीं है, ये रिवाड़ी आप पूरे हरियाणा का ले लो, इन पटवारी अंतिशा काम कर रखे है, जो अपने वहाँ बैठ जाए आराम से, वहीं लिख ले एक जगह बैठ के, कोई कार्रवाई नहीं करनी कोई किसी प्रकार का, ये जमींदार कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाए अपना बाजरा, 1700 रुपए में कौन देगा अपना बाजरा, कहाँ तो सरकार ने 2300 कर रखा है, और अब 1700 रुपए में, अब ये गरीब किसान जाएंगे कहाँ, अब हम जाने का कहीं रास्ता भी नहीं, हमारा बाजरा घर पे पड़ा हुआ है, और जाए तो जाए कहाँ, तहसीलदार के पास जाए या पटवारी के पास, हमने मैंने तो चढ़ा दिया है, अब वो चढ़ है ही नहीं रहा, तो उसका क्या करे, कोई है सोल्यूशन इस बात का? हम सरकार से जवाब मांगना चाहते इस बारे में। तो आप इसकी शिकायत लिखित रूप में शिकायत दे, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी जो भी है पहले डीसी के पास जाएंगे, उसके बाद में हम वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार से नहीं होगी तो फिर हम सीएम विंडो में लगाएंगे। चलो, हाँ जी बिल्कुल, तो अब कार्रवाई तो जरूर करेंगे किसान, अब नंबरदार की बारी है, ये दिखाओ आपका, तो इसमें माल का किस तरह रहा है, जैसे यो कितनी, एक बार दिखाइयो, चलो 1, 2, 3 किसान है ये, और माल एक जगह ले, माल एक जगह, तो इसमें जिस तरह की मतलब गड़बड़े है यार, क्योंकि हाँ, ये दिखा दे एक बार, एक बार दिखा दे, एक कैमरा नजदीक लिया,
यानी माल एक दो तीन यानी चार, और माल कितना देना चारा का दो यान है, तो दो कौन देगा, यानी चार भाई हैं लेकिन माल देना दो यान है, तो दो मतलब कौन देगा, कौन सा देगा, कोई भी कौन देगा, क्योंकि वो सोचेगा यो दे दे, वो सोचेगा यो दे दे। हाँ और अगन दिखाइयो और पेज दिखाओ आगे, एक और करो आगे। यो मानो नंबरदार कभी जीना जंजाल गाल दिया, यो किससे तो माल लेगा, कौन इस देगा, मेरी ख्याल से तो कोई भी कौन दे। और ये देखो यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी सात भाइया का माल, सात देने वाले दो, यानी यू मानो दो देंगे तो सात का माल, लेकिन दो देगा कौन, कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। किसी और गाड़ी को मिलेंगी नंबरदार ने, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो दे रखा है एक का ही, दो का इसमें भी काफी नाम है, इसमें भी दो दे रखे हैं और नाम काफी है। चलो बस ठीक है, तो इसमें जो नंबरदार के साथ भी वो गड़बड़ कर रखा है, और यो किस पे माल लेगा, किस पे उगाई करेगा, मेरी ख्याल से ये रवि फसल है। अच्छा ये रवि फसल का पटवारी के मेरा जो है ना पहले भी बात हुई थी, और बाद में है ना मैंने ये समेश के पास ये खेतुली गेरे रखी, मैं बोला अब महाभारी से ठीक करके जो, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं करी, आखिर मेरा ठा के लिया हूँ, ठा के लिया तो इसमें फिर भी इसकी उगाई कैसे करोगे, इसकी उगाई कैसे होगी जब एक मोरी पे आप ये देखो 15 आदमियों की जो एक मोरी पे कितनी लगती है, तो मोरी है इसमें 7-8 सरसठ की। हाँ तो ये इतनी एक मोरी पे लगती है तो बाकी कितनी लगती होंगी, बिल्कुल। हाँ यो भी दिखा दे एक बारी अच्छी तरह से, तो नंबरदार का साथ भी सारा गड़बड़ है। फिर उसने क्या कहा कि ठीक कर दूंगा, ना लट गया मेरे से सर में बात हुई, दूल्हा खतुनी मन में ना महा भाइयों मेरे पास दो घंटा में नहीं उतरा, मेरा तीन जो है गांव का मतलब वसूली है, और तीन गांव अभी मैं एकदम किस तरह कर दूंगा, कम से कम भी मैंने 5-6 घंटे लगेंगे। दूल्हा नहीं मेरा मैं तो जो है ना मेरा गुड़गा में जा हूँ, मेरा एक घंटा में तारा तार दे वहाँ मेरे पहने उतरे, तो पटवारी ने यह कहा जैसी ना अरे भाई वसूली में मैं करके दे दूँगा। अच्छा हाँ मेरा वसूली में मैं करके दे दूँगा, और जयपाल उसके साथ में था नंबरदार, ठीक है जयपाल उसके साथ में था, तो मेरे से ये कहा अरे भाई मैं वसूली में मैं कर दूंगा, और ये कह के ना और खतुनी लेके ना और आगे मेरा मेरा गुड़गा में जाना है, मैं तू गुड़गा में जा रहा है। उसके बाद में फिर यो आया है अनिल धोरे, अनिल के पास में, ठीक है अनिल के पास में आया, तो अनिल ने उनकी मोरी की जो है पंडित जी ने जो खाद पूछ बड़ा है उसके पास में फिर ये उसने देखी खतुनी तू मेरा इसमें तो सारी गड़बड़ है, तू मेरा के ले रहा है। उसने फिर उनकी मोरी खुद की जो है ना ये गिरदावरी कराई, गिरदावरी कराई तो उसके अंदर एक मोरी के अंदर ये 15 गलतियाँ। हाँ तो ये 8-7 मोरी है सबसे घुगड़े में, तो अगर इसमें जब 10 गलती भी होंगी एक मोरी पर कितनी होगी, बहुत गनी होगी। हाँ नंबरदार किस पर मार जाओगा, और कौन मार देगा, मैं मार देगा। हाँ तो ऐसा है अगर मैं किस पे मैं अच्छा मारूंगा भाई, बिल्कुल। हाँ मैं तो ये जो है या तो डीसी के पास जाऊंगा, हाँ या इसके कल्ट्री पटवारी के उल्टा तहसीलदार के, और ये मैं जमा कर दूंगा। चलो तो इनके पास कागज पुछवा दिए भाई, तय कह दिया कि इसने तार लियो आज एक घंटा में तार लियो, क्या कह गया भैया एक घंटा 1.5 घंटा में मैं बाकी बोला गुड़गा में जा हूँ। तो इस पे मतलब क्या कहोगे, जिस तरह के आप भाई नंबरदार के साथ भी गलत हो रहे हैं और पूरे किसान खड़े हैं सारे। बात यह है हमने आज तक पटवारी नहीं देखे, अच्छा चकलता नहीं देखे, किन्नू बताओ ना, फिर गलती करे से तो खुद पटवारी कर रहा है और कोई को नहीं कर रहा, पटवारी गलती है, पटवारी गलती साफ कितने चाले के कुआल उठे कह दूंगा। नहीं पटवारी का काम था, नहीं पटवारी ने करी है या सारी गड़बड़। हाँ और कल्ट्री पटवारी के पास में मेरा जी जैसे जो गुड़गाम में चला गया, चलो फोन कर, तो बोला मैं जो गुड़गाम में हूँ
मैं कल्टी पटवारी समय से दोहरे गिर आया, मैं मना ही ना ठीक करवा दे, वसूली करवानी है तो ठीक करवा दे, लेकिन उसने ना जवाब को सोचा। मेरा वो तो गुड़गाम है, मैं गया दोबारा, मेरा वो तो गुड़गाम है, बोला वो क्यों नहीं ले गया, बोला महंगा ले गया, भाई ठीक है चलो। हाँ फिर मैंने गेरे रखे, मैं ही ले आया उसको और जो है वो समाधान नहीं हुआ। वो दिखाइए मार लो कटे इससे। चलो देख, तो मतलब कितने कितने कमी तो है भाई, पटवारी की है और पटवारी की नहीं हो तो फिर जिस तरह इनकी जो किले हैं वो खाली पड़े हैं और मतलब पूरा जिस तरह के जमीन में जिस तरह के जितने भी किले हैं, किसी के दो हैं किसी के नौ खाली पट दिखा दिए, तो सारे कमी तो हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो क्योंकि किसान है परेशान। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।